ग्वालियर के ट्रांसपोर्ट नगर में एक कोल्ड स्टोरेज में आग लग गई। आग लगने से कोल्ड स्टोरेज में रखे मसाले जलकर राख हो गए। वहीं मिर्ची के बोरों में आग लगने की वजह से फायर ब्रिगेड के दल को आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। देखिए रिपोर्ट। ग्वालियर में आज ट्रांसपोर्ट नगर में श्री गणेश कोल्ड स्टोरेज हाउस में भीषण आग लग गई। दरअसल डीपी से एक ट्रक टकरा गया, जिससे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते मसाले जलकर खाक हो गए, जिसमें प्रमुखता से मिर्च का ढेर भी जल गया, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड के लोगों को आग बुझाने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। शॉर्ट सर्किट हो गया और अखबार में करंट आ जाने से वो अंदर कोई एमसीबी वगैरह बस्ट हुई है, उसके कारण ये धुआं हो गया। जहाँ ये बस्ट हुई है, जगह मिर्ची के हो रहे हैं, तो मिर्ची में आग लगी हुई है, तो मिर्ची के कारण ये इतना बड़ा कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। फिर भी ऊपर आपदा प्रबंधन और फायर ब्रिगेड द्वारा दोनों द्वारा ऊपर तीन और छत कर दिए, तो उसमें मशीन लगा दी है और एग्जॉस्ट लगा दिया है। वर्तमान में वहाँ पानी धुआं निकलना शुरू हो गया। अंदर जो रात में जो शॉर्ट सर्किट हुआ, उसके कारण केवल मिर्ची में आग लगी हुई है, तो मिर्ची के कारण वो थोड़ा चारों तरफ बस है और अंदर जाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। अभी मैंने सभी गेट खोल दिए हैं, तीन खिड़कियाँ खोल दी हैं और ऊपर तीन होल कर दिए छत सीलिंग पर, और नीचे एक 20 फुट पर एग्जॉस्ट फैन नीचे जा करके लगा दिया, तो उसमें एक सर्किट बना दिया है धुआं निकलने का। तो वर्तमान में धुआं निकल रहा है और छत पे बड़ी तीव्र गति से धुआं निकल रहा है तीनों होलों से, और थोड़ी देर में जैसे धुआं निकल जाता है तो नीचे वैक्यूम क्लियर हो जाएगा, फिर उसके बाद उसमें कंट्रोल करने में सुविधा रहेगी। कुल मिलाकर घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और मामले की जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, ग्वालियर।